हेलो नमस्कार कक्षा 11 में डे 63 में और अपना चैप्टर संख्या 6 ही चल रहा है अभी जिसमें नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ऊर्जा कार्य के बारे में हमने पढ़ लिया कि कार्य क्या होता है दो तरह से एक परिवर्ती बल के कारण उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ले शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं ऊर्जा इसके तीन भाग हैं। पहला भाग हमने पढ़ लिया कार्य, अब दूसरा भाग शुरू कर दिया हमने ऊर्जा। अब हम सारी बात ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली अगर पूछे भी ऊर्जा क्या है तो कार्य ही ऊर्जा होती है, कार्य ही ऊर्जा होती है। बिल्कुल अपने कहें किसी को काम करने के लिए कोई कार्य करने के लिए तो कितनी देर कार्य करेगा, जितनी देर उसमें ऊर्जा होगी उतनी देर वो कार्य करेगा। तो वो ऊर्जा ही किसमें बदलेगी, कार्य में बदलेगी। ठीक है, जितनी एनर्जी है अपने काम करते करते थक जाते हैं ना, क्या कहते हैं अब तो एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी खत्म कैसे हो गई, जो हमने डाइट ली थी जो एनर्जी थी हमारे अंदर वो हमने किसमें कन्वर्ट कर दी, कार्य में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या हो गई, वो थकान महसूस हो गई उस समय। तो ऊर्जा और कार्य अलग अलग नहीं है, एक ही बात है ऊर्जा और कार्य। कोई व्यक्ति कितना कार्य करेगा जितनी उसके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए परिभाषा लिखनी हो तो सीधा हम ये भी लिख सकते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है या कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऐसे लिखते हैं किताबों में। कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो क्षमता कहां से आई, ऊर्जा से आई, जितनी ऊर्जा उतना ही कार्य होगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब देखो ऊर्जा के बारे में एक दो बातें सामान्य बातें हैं जो हमें पता हो कि एक तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जे से लिख देते हैं इसको, जे से न्यूमेरिकल में जो दिया जाता है ना 8J, तो इसका 8 जूल ऊर्जा है। और वैसे ये जो मात्रक है वो किससे, साइंटिस्ट के नेम पर है। वैसे मात्रक निकालना हो तो आप याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पता ना, W=FS तो न्यूटन इंटू मीटर। अरे न्यूटन भी बल का मात्रक है न्यूटन के नाम पर, तो वहां से भी निकालना है तो F=ma से निकाल लो, वो एग्जैक्ट मात्रक आ जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो आप ऐसे निकाल। ठीक है, वरना नॉर्मली ये यूज किया जाता है। अब देखो ऊर्जा के कुछ और मात्रक भी है जो डेली रूटीन में यूज किए जाते हैं और हम भी यूज करते हैं उनको बुक्स में भी और 11th में 12th में भी इनका यूज किया जाता है अलग अलग से। एक होता है किलोवाट घंटा, KWH, सुना ये किलोवाट घंटा का, सुना ये बिजली का बिल इसके हिसाब से आता है। तो बिजली का बिल भी कैसे आता है, जितनी एनर्जी खर्च होती है उतनी एनर्जी का ही सबके घर में बराबर थोड़ी आता है। क्यों भाई, जिसके घर में कूलर पंखा फ्रिज टीवी मोटर वगैरह सब कुछ चलते हैं, एसी वगैरह सब चलते हैं, तो उनकी बिल क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जिनके घर पे केवल एक CFL लगी है ना, टीवी है, कुछ भी नहीं है, तो उसका बिल क्या आता है, कम आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसने ऊर्जा की खपत कम करी है इसलिए कम बिल आता है। तो वो जो बिल की बिल का जो मापन किया जाता है, बिल का जो खर्चा निकाला जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, KWH। मीटर में देखेंगे अगर हम तो वहां लिखा होता ऊपर KWH किलोवाट घंटा। तो किसके अनुसार, किलोवाट घंटा के अनुसार बिजली की जो है खर्च कैलकुलेशन की जाती है। और इसको ही एक यूनिट बोलते हैं, एक किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 10वीं में भी आता है ये ऐसा क्वेश्चन, 11वीं में भी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लेते हैं, ये कॉमन चीज है, ये कह सकते हैं कि साइंस का GK है, ये समझ लो सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान। तो कैसे निकालें, इसमें एक किलोवाट घंटा अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालें, किलो का मतलब क्या होता है 1000 और घंटा का मतलब ऐसा यूनिट में सेकंड में लिया जाता है, सेकंड में। तो घंटा में कितने सेकंड होते हैं, पहले भी कर चुके ये बातें, कितने 3600 सेकंड होते हैं, या ये कहें एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितने हो गए 60 × 60, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 6×6 = 36 हो गया ना, 36 और 10^3 ये 2 ये कितनी हो गई, 10^5। ठीक है,
अब इसको जो ऑप्शन दिए जाते हैं या बुक्स में जो वैल्यू दी जाती है वो ये नहीं लिखते, वो 3.6 लिखते हैं। 3.6 कैसे आता है, अगर इसमें 10 का भाग दे देंगे और 10 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या में 10 से 10 कट रहा है ना। लेकिन इसको परिवर्तित करके किसी भी वैल्यू को लिखा जा सकता है। 5 को जरूरी नहीं है 5 ही लिखें, 5 को अगर हम ये लिख देंगे 0.5 गुणा 10 तो भी इसका मान 5 ही है, लेकिन लिखने का तरीका तो बदल गया ना। वैसे वहां 3.6 के रूप में लिखा जाता है, तो कैसे आता है, 10 का डिवाइड कर दो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 3.6 × 10^5 जूल। इतनी जब एनर्जी खर्च होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक यूनिट। यूनिट के हिसाब से भी लाता है ना कि कितनी यूनिट खर्च हुई है, एक यूनिट का 8 रुपए अगर लग रहे हैं तो फिर उससे गुणा कर देते हैं, मीटर चार्ज उसमें जोड़ देते हैं, कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो जोड़ देते हैं, और फिर बिल पे छप के आ जाता है नीचे नीचे कि निर्धारित तिथि तक दे राशि और निर्धारित तिथि के पश्चात दे राशि, उसमें 20-30 रुपए और एक्स्ट्रा जुर्माना जोड़ दिया। तो ये क्या है, किलोवाट घंटा अगर पूछे तो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो ये एक यूनिट का मान पूछे तो कितना होता है, 3.6 × 10^5 ये 10 का तो भाग दे दिया ना 3.6, और ये 10^5 और 10^1 कितनी हो गई, 6 हो गई। सामान्य अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 36 × 10^5 जो ऊपर था ये भी सही है, लेकिन वहां जब ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन होता नहीं है, कौन सा होता है 3.6 वाला होता है। 3.6 जब है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा में 10^6 हो जाएगी। एक तो इसका ये मात्र है, एक मात्र और है जिसका 12वीं में सबसे ज्यादा यूज करेंगे, 12th के अंदर यूज होगा उसका न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से लिखते हैं और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछ ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, पहला मात्रक तो क्या है किलोवाट घंटा, ये किसका मात्रक है ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी किसका मात्रक है ऊर्जा का। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक है। जैसे अगर कहीं लिखा है ना 3.2 ev, तो इसका मतलब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऊर्जा का मान दे रखा है, ये क्या है, ये जूल में नहीं है, ऐसा ही पद्धति में नहीं है ये, लेकिन जूल में हम इसको बदल सकते हैं, इसका मान जूल में निकाल सकते हैं, भी निकाल लेते हैं क्या होगा। तो ये ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब आवेश है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक है, ये होता है किसका मान, ई का मान। तो अगर इसका मान निकालें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, तो क्या होगा 1.6 × 10^-19, ठीक है, इससे क्या करें गुणा कर दें तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी किसका मात्रक है, किसका, ऊर्जा का मात्रक है, छोटा मात्रक है ऊर्जा का छोटा मात्रक, क्योंकि नाभिकीय भौतिकी जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करें किसमें, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो परमाणु भी बहुत छोटा भाग होता है, बहुत छोटा पार्ट है किसी भी कण का, किसी वस्तु का, उसके अंदर क्या नाभिक है वो और भी छोटा है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो और भी छोटे हैं, तो उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, 1.67 × 10^-27 kg बहुत कम है, माइनस में 10^-27 यानी भाग में 10^27 लग जाए, इतनी वैल्यू, इतनी छोटी मान निकाले तो 0.00000 24-25 बार जीरो आएगी, उसके बाद कोई वैल्यू आएगी, तो कितना छोटा मान हो गया। इसीलिए उसकी ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो मात्रक है वो किसके मात्रक है, ऊर्जा के ही मात्रक है, ऊर्जा होती क्या है, कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा होती है। सिंपल वे में आप आगे के जितने भी टॉपिक सोल्व करेंगे उनके लिए आप ध्यान रख सकते हैं, कार्य बराबर ऊर्जा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, कार्य बराबर ऊर्जा, यानी जब भी ऊर्जा निकालनी होती है तो हम सोचने बैठते हैं अब कैसे सोल्व करें। तो कैसे सोल्व करना है, जब भी हमें कोई भी ऊर्जा निकालनी हो, कोई भी ऊर्जा निकालनी हो तो हमें क्या निकालना है, वहां कार्य निकालना है, और कार्य का एक ही तरीका है निकालने,
क्या? बल गुणा बल, देख लो कितना है विस्थापन। देख लो इनकी, इनका जो फॉर्म है वो अलग अलग हो सकती है, बल की फॉर्म अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा बल है। बल तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसा बल है वैसा मान उसका यूज करना है, जैसा विस्थापन है वैसा उसका मान यूज करना है, वो मान निकाल के रखने हैं यही है लास्ट में, ठीक है। जैसी वैल्यू है वैसे नियम अप्लाई कर लेंगे, मैं आगे हम बात करेंगे, वैसे निकाल के और इस समीकरण में रखने हैं। यानी सोल्व हमें एक ही बात करनी है, डब्ल्यू बराबर एफ एक्स। हम इसको नॉर्मली गति की समीकरणों में दूरी को किससे लिखते हैं, दूरी को एस से लिखते हैं, एस से लिखते हैं दूरी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, गति की समीकरण में लेते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहां एस क्या है, दूरी है, इसलिए जब गति की समीकरणों की जरूरत पड़ती है तो हम दूरी को एस से लेते हैं, तो आप w इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एस लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एफ आर लिख दें, एफ डी लिख दें, तो इनमें इनमें सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर डिस्टेंस को आर ले लेते हैं, कहीं पर डिस्टेंस को डी से ले लेते हैं, एक्स से ले लेते हैं, एस से ले लेते हैं, तो जैसा एग्जाम में लिखते हैं अपने वही सिंबल यूज कर लो, वरना अपनी मर्जी से करना है तो कोई भी यूज कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब अगले टॉपिक में बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, नेक्स्ट टॉपिक। और गतिज ऊर्जा में हम सिद्ध करेंगे कि गतिज ऊर्जा का जो मान है 1/2 mv² होता है, ये होता है ना, विमाई जब हमने निकाली थी तब निकाले थे 1/2 mv², तो 1/2 mv² जो वैल्यू है वो आई कहां से, कैसे प्रूफ करते हैं वो हम सिद्ध करेंगे बल गुणा विस्थापन के द्वारा। तो इसको बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तक आप इसको रिवाइज कर लें।